क्लाउड क्लाउड, तुम्हारे पास इतना समय था उस माइकल को पीछे से मारने का। हाँ वो तो था, बट मैं कभी किसी को पीछे से नहीं मारता, यही मेरे लाइफ का रूल है। कोई बात नहीं क्लाउड, तुम जाओ और प्लानिंग करो माइकल को मारने की। हाँ ठीक है, उस माइकल को तो मैं ही मारूंगा, उसके सिक्योरिटी को और सबको, और उसको मैं जमीन पे लाके दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। पीछे से नहीं मारेगा तो क्या सामने से मारेगा? हमें ही कुछ करना होगा बड़े बार, इस चोमो से कुछ नहीं होने वाला। छोटे अपनी रोबोट आर्मी रेडी करो, देखते हैं ये माइकल कितना पावरफुल है। ठीक है बड़े बार, रोबोट आर्मी के साथ मैं खुद जाऊंगा फाइट करने। Welcome back to new video of GTA 5 guys. तो कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग बढ़िया होंगे। So guys, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 likes। यार आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो पिछले वीडियो का, तो इस वीडियो का जरूर कर देना और पूरा वीडियो देखना, एंड वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। So guys, अगर आपको लास्ट एपिसोड याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ। गाइस लास्ट एपिसोड में ना भाई साहब क्लाउड का जो बच्चा है ना भाई, मैं जा रहा था रस्ते में से और उस बच्चे ने मतलब मेरे पे ट्रैप लगा दिया, मतलब जो हाईवे पुलिस होती है ना भाई, वहाँ पर मुझे रुकवा दिया एंड सारे गन वगैरह सब कुछ ले लिए। मुझे लगा पुलिस वाले हैं भाई, अपना काम कर रहे हैं, बट वो साला आता है एंड मेरा पीछे लग जाता है और बहुत कुछ होता है। फिर गाइस हम लोग को पता चलता है एक डील हो रही है दो गैंग्स के बीच में, एक हम पे मतलब अपनी जो गैंग है ना रेड स्कल वाली गैंग भाई, उस पर अटैक करने के लिए बालास गैंग और वेगास गैंग के बंदे एक स्पेशल टैंक लेके मतलब हम पे हमला करने वाले थे, बट हमने उन्हीं पर हमला कर दिया। सो चलो यार आपको पता चलता है आगे क्या होने वाला है। सो गाइस अभी ना सीन यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन आए हुए भाई मुझे बताने के लिए, मतलब गाइस सब कुछ ना इनको बहुत बढ़िया, हमने इनको कल गिफ्ट किए थे भाई कार्स वगैरह एंड घर वगैरह, इनको बहुत पसंद आए और ये ना आज हमें मिलने के लिए आए थे। और एक और बात, मुझे अभी एक कॉल आया था गाइस बालास गैंग का, और वो कह रहे हैं कि भाई देखो एक मिस्टेक हो चुकी है, बहुत बड़ी वाली मिस्टेक हो चुकी है, एंड जल्द से जल्द तुम हमारे बालास गैंग के एरिया में आ जाओ। पता नहीं यार भाई, वो कह रहा था कि बहुत डरा हुआ था, पता नहीं क्या सीन है गाइस भाई साहब, मतलब भाई हम पे अटैक करने की प्लानिंग करते हैं और आज मेरे को वो कॉल करके कह रहा है कि यार देखो बहुत बड़ी वाली मिस्टेक हो चुकी है, आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ। यार गाइस चलो ठीक है, आज ना उनके एरिया में जाते हैं। वो कह रहा है कि भाई बहुत बड़ी वाली गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है, तो चलो यार फ्रैंकलिन और ट्रेवर फटाफट से चलो, और अपने साथ आज पर्ल वर्ल्ड का कैटिवा भी अपने साथ है भाई, और आज ना मैं अपना ये रोबोट है ना गाइस एआई रोबोट भाई उसको ले जाने वाला हूँ उसको डराने के लिए। भाई वो बंदे हमको सुपर टैंक से अटैक करने वाले थे और उनको मैं दिखाता हूँ भाई हमारे पास क्या चीज़ है। भाई ये चीज़ ना भाई इतनी खतरनाक है, आपने देखा ही होगा भाई 10 बंदे हो या 100 बंदे हो भाई नीचे गिराने में टाइम नहीं लगता है। सो गाइस तो चलो फटाफट से हम लोग इससे जाएंगे। अरे कैटिवा हट जा बीच में से वरना भाई कूद जाएगा। और ट्रेवर और अपनी जो न्यू सिक्योरिटी ना भाई वो भी अपनी मेंशन में आ चुकी थी, और आज हमें ना न्यू मेंशन भी बाय करना है और बहुत कुछ करना है गाइस, आज ना हमें बहुत कुछ करना है। तो यार हमारी न्यू सिक्योरिटी भाई देख रहे हो गाइस भाई बिल्कुल रेडी है, भाई बिल्कुल रेडी है, और आप देखा होगा मैं आपको बताना भूल गया, सारे के सारे सिक्योरिटी ना अपनी जो RSVPG सिक्योरिटी है भाई ये सब कुछ इधर लग चुकी है, बट अभी कुछ थोड़े दिन के लिए मैंने इसको लगा के रखा है, बाकी के टाइम पे ना अभी न्यू मेंशन लेने वाले हैं। सो गाइस तो थोड़ा वेट करो एंड अभी आज के दिन हमको एडजस्ट करना होगा NLG और अपनी जो न्यू सिक्योरिटी है RSVPG। तो यार चलो यार फटाफट से यार फ्रैंकलिन ड्राइवर आए कि नहीं, यार पैदल आ रहे बेचारे, इसमें एक ही सीट है वरना इसमें बिठा देता है इन लोग को। सो गाइस भाई अपना आज कॉन्वे निकलने वाला है RSVPG का। सो गाइस यार आपको अगर GTA 5 की सीरीज़ पसंद आ रही तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके, अगर आपको और गेम्स चाहिए मतलब दूसरे गेम्स होते हैं ना भाई सिमुलेटर गेम्स, तो आप बताओ कौन सा मैं गेम खेलूँ, मतलब मैं GTA 5 की वीडियो डाल ही रहा हूँ बट उसके साथ हम लोग GTA 5 के साथ ना भाई कोई और भी गेम खेले मेरे को चैट में बता दो, अगर आपको जो पसंद हो भाई कौन सा भी गेम हो सिमुलेटर हो भाई वो खेलूँगा और ट्राई करेंगे उसमें बेस्ट दे हमारा। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो फुल वॉच करना। सो गाइस ये देख रहे हमारा न्यू सिक्योरिटी गाना भाई फोन पे चल रहा है, वैसे हेलीकॉप्टर्स भी है
बट मैं बोला यार इनको डराने के लिए इतने काफ़ी है भाई, अभी हेलीकॉप्टर वगैरह लेके जाएंगे ना भाई, मतलब भाई बालाज गैंग यार, बालाज गैंग भाई, मतलब भाई बड़ी गैंग तो है बट अपने सामने ये अभी इतने बड़े वाले माफिया हो चुके हैं ना, अब मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब ऐसा लगता है ना ये छोटे मोटे गैंग है उनको तो मैं अकेला ही मार, तो यार अभी इतना पावर आ चुका है माइकल में। सो यार चलो गाइस अभी ना चलते हैं फटाफट से। ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बालास के एरिया में, और भाई पता नहीं मुझे बोल रहा था ना कॉल करके भाई हमसे बहुत बड़ी वाली गलती हो गई, हमें माफ वगैरह कर दो भाई, इसकी बैस की आप मतलब हम पे प्लानिंग करते हो वेगास और ये मिलके ना भाई, मतलब हमारी गैंग जो है रेड स्कल उसको ख़त्म करने के लिए, वरना हमें तो पहले पता चल गया ये हम पे अटैक करने वाले, हमने उन पे पहले ही अटैक कर दिया भाई, पता नहीं क्या बोल रहा है, लग रहा है ये टकलो इनका बॉस है, पता नहीं इनके कितने बॉस है भाई, हर चीज इनके बॉस ना चेंज होते रहते हैं, और टकलू क्या बोल रहा है फटाफट से बोल दे भाई, क्यों कॉल किया मेरे को जल्द से जल्द बता फटाफट से क्या कह रहा है। सो ऑल राइट गाइस ये मेरे को कह रहा है कि देखो हमसे ना बहुत बड़ी वाली गलती हो गई है भाई, वो जो सारी की सारी प्लानिंग ना वेगास की थी, और भाई हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है भाई, हम तो छोटे मोटे लोग हैं यार, हम पे मतलब हम तुम पे क्या ही अटैक करें। सो भाई देख यार तूने गलती तो की है, तेरे को नुकसान तो भरना पड़ेगा ठीक है ना भाई, मतलब तू हम पे अटैक करने जा रहा था मतलब विदाउट सुनल भाई, तुझे मेरे को ना हर महीने पैसे देने पड़ेंगे, तो बता तू कितने दे सकता है। सो भाई ये कह रहा है कि यार हम कहाँ से देंगे पैसे, हम इतने छोटे गांव के लोग हैं यार, भाई ये देख इतना छोटा गांव है भाई, मैं जानता हूँ तेरा छोटा गांव है बट मेरे को कम से कम $5,00,000 तो चाहिए भाई हर महीने के, भाई तुम्हारा बिजनेस भी चल रहा है भाई ड्रग्स वगैरह, और हमारा भी तो चल ही रहा है ना हमारे गैंग का। ये कह रहा है कि देखो यार भाई चलो कोई ना भाई $5,00,000 तो सही, बट यार हमें ना भाई कुछ करना मत यार, मैं भाई देख रहे हो, और पता नहीं इसका एक बंदा आ रहा है, पता नहीं भाई क्या मारने आया क्या भाई, भाई पैर चूरा है, कह रहा है कि भाई हमारे बॉस को माफ़ कर दो, और मेरे पैर के जूते साफ कर रहा है यार। ठीक है गाइस 5,00,000 में ना मान जाते हैं भाई, लग रहा है पहले ही गरीब है वो, कह रहा है कि यार हमारे पास पैसे खुद नहीं है भाई, हमारा खुद बिजनेस नहीं चल रहा है, क्योंकि जब से आपकी YCT से रेड स्कल गैंग आई है ना भाई, अपना पता है अपना जो लीडर है रेड स्कल भाई, उसने भी ड्रग्स का भाई बिजनेस शुरू कर दिया लॉस एंडस, तो इनके वजह से इनका बिजनेस भाई लो जा रहा है। सो भाई $5,00,000 इनके महीने के हम लोग लिया करेंगे ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं। देख अगर तूने फिर से अटैक किया ना भाई, भाई ये जो मेरा रोबोट दिख रहा है ना भाई, एक सेकंड में भाई पूरे के पूरे लोग मरेंगे। सो यार चलो फटाफट से मैं ब्रीफ प्रेस को लेता हूँ, और पैसे वगैरह गिनने की ज़रूरत तो नहीं ना भाई, अगर एक भी नोट कम हुआ ना भाई तेरे जितने भी लोग हैं ना भाई सब मरेंगे। सो गाइस ठीक है यार गाइस भाई बात मान लेते हैं, वरना साले को यहीं टक्का देता भाई, मुझे लगा कुछ बड़ा वाला पंगा ट्रैप वगैरह करेगा, इसलिए मैं ना AI रोबोट ले आ चुका था। बढ़िया कह रहा है कि यार माफ़ कर दो भाई हमारे कोई गलती नहीं है, वेगास की गलती है भाई, सब वेगास के कहने पे हमने किया। यार ये वेगास के बच्चे कहाँ पर है मुझे लोकेशन बता दे भाई, वो कह रहा है कि गाइस देखो उसने ना हमें कुछ नहीं पता है, बस तुम उधर चले जाओ और हमें कुछ मत करना, मतलब हमें कोई दुश्मनी वगैरह नहीं करनी है भाई, झुक चुके हैं मेरे सामने, कह रहे कि यार देखो हम भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। यार देखो भाई मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे गैंग में काम करो भाई, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भाई, अगर देखो यार वैसे मैं सोचूंगा आगे जाके क्या करना है आप लोग बताना, वैसे अपनी गैंग तो है नहीं गाइस, अगर अपन बालाज गैंग की मतलब अपनी हो जाए तो क्या बोलते हो गाइस, बस वैसे रेड स्कल गैंग अपनी तो है नहीं गाइस मतलब ऑफिशियली देखा जाए। सो चलो यार सोचेंगे आप लोग बताना, ये अपने अंडर में काम करते तो गाइस क्या सीन है, ठीक है आप लोग बताना, क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं ना हम तुम्हारे हाथ के नीचे काम कर सकते हैं, मतलब तुम इतने पावरफुल हो चुके हो। सो ठीक है यार सोच के बताएंगे यार, वैसे तो यार ये लोग ना भाई इतने खास नहीं है। सो चलो यार वेगास के एरिया में जाती है और इनकी बैंड बजाती है, और वेगास साले मतलब भड़का रहे भाई हमारे खिलाफ, मतलब क्या ही बोले। सो चलो यार फटाफट से ना वेगास के एरिया में जाते हैं और इनकी भाई हालत पतली करते, मेरा जो रोबोट दिख रहा है ना भाई इससे बैंड बजा देंगे साले। सो ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं वेगास के एरिया में, भाई इतना ढूंढने के बाद पता नहीं यार ये लोग कहाँ बैठे, मेरे को अभी भी नज़र नहीं आ रहे ये लोग भाई, यहाँ पर एक होना चाहिए इनका वेगास का एरिया, पता नहीं यार ये पूरा एरिया वैसे वेगास का ही है भाई, से एरिया मतलब एरिया होता है ना जैसे लोग खड़े थे वैसे, वैसे प्रॉपर्टी किसी और की होगी बट ऐसे ही। चलो यार कोई बात नहीं, एंड पीला पीला नज़र तो आ रहा है भाई इनकी भैंस क्या, इतने सारे लोग हैं ना वेगास के भाई, अपने यही सिक्योरिटी सबको मार देगी भाई, ये सिक्योरिटी क्या मैं अकेला ही मार दूंगा इनको, मेरे पास इतना पावरफुल टैंक है ना भाई,
चलो फटाफट से उतरते हैं। और इनकी बैंड बजाते साल टैक्सी वाला धंधा शुरू कर दिया क्या? नहीं ये टैक्सी तो नहीं है भाई, ये गन लगी है। चलो यार कैटी ले, वो ये भी आ चुका है भाई। भाई ओए टकले, तू भी टकला है क्या भाई? एक सेकंड, इन्होंने पहले ही ब्रीफकेस तैयार रखा है भाई। ये कह रहा है कि यार देखो हमें सब पता चल गया है एंड इसमें भाई हमारी भी कोई गलती नहीं है। भाई देखो बालास वाले तुम्हें 5 लाख दे रहे हैं, हम तुमको $1 मिलियन देंगे, दोनों में 5-5 लाख डॉलर है। तो भाई ठीक है भाई, ये क्या चल रहा है भाई? देखो तुमने मेरे पे प्लानिंग क्यों की पहले मुझे बताओ। भाई ये कह रहा है कि प्लानिंग वगैरह भाई हमारा कुछ भी इसमें हाथ नहीं है भाई, हम तो जस्ट नॉर्मल गैंग है भाई। सारा का सारा ना ये लॉस्ट एमसी का मतलब ये लॉस्ट गैंग है ना, एमसी लॉस्ट एमसी गैंग भाई, सब कुछ इनका धरा करा है। अरे भाई मेरे को क्या तुम एसबीआई वाला समझ रहे हो क्या? मतलब ये वाले बेंच पे जाओ, ये वाले बेंच पे जाओ, तेरी भैंस की आग मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। पहले इतने धूप है और धूप में बाहर निकलना जम नहीं रहा है गाइस, और ये मेरे को दूसरे एरिया में भेज रहे भाई। कह रहे कि $1 मिलियन ले लो, हम भी तुमको हर महीने बस हमें ना माफ़ कर दो, और अगर हो सकता है तो हमें भी अपने अंडर में ले लो गाइस। भाई माइकल का डर देख रहे हो गाइस, भाई माइकल की पावर देख रहे हो। और यहाँ पर इनकी गैंग तो वैसे बढ़िया है गाइस, ये कह रहे हैं कि तुम हमारे मतलब गैंग को अंडर में ले सकते हो भाई, इनके पास ना कार वगैरह तो बढ़िया है। मुझे ना भाई ये कह रहा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो इनके साथ, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सब कुछ ना गुलाम बन चुके हैं भाई, गुलाम बन चुके हैं भाई। फिर राजा बन जाओ क्या फिर तुम्हारा मैं यार? वैसे ना गाइस इनके पास भाई कार कलेक्शन बढ़िया है, सो आप लोग बताओ यार इनके साथ क्या करना चाहिए भाई। पहले मुझे ना भाई मस्ती हो रही थोड़ी सी भाई, इनको थोड़ा सा ठोक दूँ क्या, मतलब पेल दूँ क्या? मतलब पेलने का मन कर रहा है गाइस। एंड एक काम करते गाइस, देखो सारे के सारे ब्रीफकेस ना ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने तो ले लिए, $1 मिलियन हर महीने और वहाँ से $5 लाख, सो मतलब $1.5 मिलियन हमें हर महीना मिलता रहेगा। तो साले तू ही ले भाई, तू सबसे पहले मेरा काम था, तू ही कह रहा है ना गुलाम है, वो गुलाम मार खाएगा फिर मेरा। भाई कुछ नहीं कर रहे, देख रहे हो गाइस पावर देख रहे हो माइकल की भाई। अब ना तुम मेरे हाथों के नीचे काम करने वाले, वैसे तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है क्योंकि भाई मेरा एक अकेला ही टैंक। एक सेकंड, लड़की को नहीं मार देंगे माइकल भाई, लड़की को नहीं मारता है माइकल, सॉरी गाइस। अरे अरे भाई गलती से उधर ही जा रहा है, नहीं मारो मजाक कर रहा हूँ, चल बेटा। अरे यार गलती की लड़की को लग गया, सॉरी, लड़की को नहीं मारेगा भाई, टेंशन ना ले। एक सेकंड तू हटना बाजू से, बाजू से हट ही नहीं रही, तुम्हें धक्का देना पड़ेगा भाई, सबको मारेगा भाई। दिमाग खराब कर रखा है तुम लोग ने भाई, मतलब प्लानिंग करते हो भाई तुम दोनों मिलके, तुम लोग बच्चे हो क्या? मतलब किसी की बात में आ जाते हो और भाई हम पे हमला करने की तैयारी कर रहे हो भाई, मतलब इतना खतरनाक स्पेशल टैंक भाई हमने सही टाइम पे ना भाई ले लिया, वरना भाई हमारा भाई पता नहीं क्या होता। ये लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये गैंग वाले बंदे इनका भरोसा नहीं है गाइस, कब किसके हो जाए भाई, सब कुछ पैसा है भाई, सबको मारूंगा भाई, सबको भाई, तुम्हारी भैंस की आग भाई गैंग के नाम पे दबाओ भाई। बट गैंग तो होंगे पावरफुल गाइस, बट अपनी जो पावर है ना भाई, माइकल की जो पावर है भाई वो अलग ही लेवल पे हो चुकी है। मतलब एक अकेला बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप लोग देखो गाइस भाई, एक टाइम के अपने पास भाई सिर्फ सिंपल हाउस था, एक BHK वाला हाउस था, अब देखो भाई इतने बड़े बड़े मैंशंस, पैसा भाई, प्रेसिडेंट अपना फ्रेंड है और कितने बड़े बड़े गाइस अपने माफियास अपने फ्रेंड है। तो यार चलो गाइस थोड़ी तबाही करते हैं यहाँ की, साला ये ले भाई, और तबाही नहीं करूँगा बस इतना ही। इसने कहा कि तुमको जो करना है करो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो जस्ट मैं चेक कर रहा था भाई कोई मरा तो नहीं ना। चलो भाई इनका थोड़ा नुकसान वगैरह कर दिया, इनके पास इतने बढ़िया बढ़िया कार थे ना भाई, देख रहे हो ऊपर गाइस गन वगैरह लगे हैं, तो यार मेरा थोड़ा सा लालच आ गया और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं और ना भाई साहब लॉस्ट के फटाफट से ना गाइस, और भाई साहब चलते हैं इधर से, और सालों की इतनी बैंड बजाए ना भाई, मज़ा ही आ चुका है, कसम से गाइस मज़ा ही आ चुका है यार। चलो फटाफट से क्या है अपनी जो न्यू सिक्योरिटी ना भाई, वो भी आ रहा है अपना खतरनाक वाला कौन में भाई, डर देख रहे हो ना, ये चाहिए डर, इसको कहते हैं गाइस डर और पावर, इसको कहते हैं मतलब बड़े बड़े गैंग लॉस सेंटर्स के भाई माइकल के नीचे काम करने के लिए रेडी है। सो गाइस इसको कहते हैं पावर, एंड ऐसा करने में भाई मेरे को कितना समय लग चुका है, मतलब कहाँ से भाई, मामूली इंसान था भाई मैं, कुछ भी नहीं था भाई, कितना सब कुछ हासिल कर दिया इतने कम समय में, तो इसीलिए एक लाइक बनता है। और एक सेकंड थोड़ी सी और लालच आ गई है, ऊपर से ये लोग दिख रहे हैं मुझे, मैंने जाते टाइम देखा नहीं था। एंड एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसाइल मार देता हूँ, और थोड़ा सा और डर ना होना चाहिए गाइस, समझ
अभी तो इनके लिए मस्ती कर रहा हूँ, थोड़ा डर ना पैदा करना चाहिए वरना ये लोग हल्के में ले लेंगे। इनको लगेगा ये बंदा थोड़ा नरम दिल का है भाई, कड़क दिल दिखाना पड़ता है वरना गाइस क्या होता है ना, धोखा देने के सोचेंगे कि भाई डर देख रहे हो ना भाई। इस रोबोट भाई फट चुकी है इन लोग की, एंड इनके जो भी फीमेल लेडीज है ना भाई इनके भी गाइस, मतलब पावर देख रहे हो ना। अब भाई मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ लॉस सैंटोस, मतलब जो लॉस कहेंगे इसकी बैंड बजाने वाला हूँ भाई। डायरेक्ट जाऊँगा, डायरेक्ट हमला कर दूंगा, अब माफ़ी वाफी कुछ नहीं, अब डायरेक्ट अटैक करूँगा इनके एरिया पे। तो चलो फटाफट से चलते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं लॉस एमसी गैंग के जो बिजनेस एरिया है, जहाँ पे ये इनकी एक फैक्ट्री है। अभी जो मुझे कहा ना वेगस गैंग के बंदों ने कहा कि ये लोग आपको यहाँ पर ही कहीं मिलेंगे, इनके जो फैक्ट्री वगैरह है ना ये यहाँ पर कोई बिजनेस करते हैं। सो गाइस यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, बट पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये कितने लोग हैं और आ भी सकते हैं पीछे से, पता नहीं। इनके बहुत बड़ा वाला गैंग है वैसे तो, लॉस्ट गैंग है जहाँ भाई खतरनाक वाला गैंग। पहले मुझे एक बार चेक करना होगा फटाफट से, फ्रैंकलिन और ट्रेवर और कैटीवा जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। तो ये है इनकी फैक्ट्री गाइस, ठीक है। ये लोग ना यहाँ पर अपना बिजनेस वगैरह करते हैं और अपनी गैंग को आगे ले जाते हैं, मतलब समझ रहे हो। एक सेकंड यहाँ पे देख रहे हो, ये इनका ना भाई बहुत ज़्यादा ही ट्रक वगैरह आए हुए हैं, लग रहा है ना भाई ज़्यादा ही प्रोडक्शन करते हैं ये लोग। देख रहे हो कितना ज़्यादा गाइस इनके पास माल वगैरह है, और लग रहा है ना ज़्यादा ही पैसा वगैरह छापते हैं गाइस। आज ना इनका लग रहा है इनके पास बहुत ज़्यादा ही पैसा हो चुका है, तो ये लोग हमें मतलब मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इनको मिटाने का टाइम आ चुका है भाई, इनको पता नहीं किससे पंगा लिया है, माइकल से पंगा लिया है। सो भाई छुप छुप के से मतलब प्लानिंग कर रहे हैं हम पे हमला करने की। सो भाई अब देखो तुम्हारे पे हम लोग कैसा अटैक करने वाले हैं भाई साहब। वैसे फैक्ट्री ना बहुत बढ़िया है, ऐसी फैक्ट्री तो अपने पास भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, अपन लोग भी आगे जाके कुछ ना कुछ करेंगे। वैसे तो अपना शोरूम का बिजनेस चल ही रहा है और गोल्ड माइन का भी बिजनेस चल ही रहा है, सो कोई बात नहीं। अभी फटाफट से हम लोग एक सेकंड भाई साहब, कितने ज़्यादा वैसे लोग ना ज़्यादा नहीं है, बट बोल नहीं सकते, इतनी बड़ी फैक्ट्री अंदर भी काम कर रहे होंगे भाई, बाहर ही इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं तो अंदर भी बहुत होंगे ना। तो कोई बात नहीं, अभी अटैक करने के बाद ही पता चलेगा। दूर से नज़र नहीं आ रहे कोई, ऊपर बैठे कोई छुप के बैठे हैं। सो गाइस एक काम करते हैं, हमारी जो न्यू सिक्योरिटी ना, उसने जो उसके एजेंसी का लीडर है उसने हमें कहा था अगर तुम्हें कोई भी अटैक करवाना हो एयर अटैक तो हमें जस्ट कॉल कर देना, हम लोग उसके पैसे लेंगे। तो गाइस मैंने अभी अपना जो RSVPG सिक्योरिटी का एक मेंबर इधर सिक्योरिटी बुला लिया हूँ, तो उसको बोलते अपने गैंग जो अपना एजेंसी का जो उसका जो एजेंसी का लीडर है ना उसको कह दे यार ये लोकेशन बता दे कहाँ पे अटैक वगैरह करना है, उसको मैं एक बार बोलता हूँ। सो फिर ना गाइस हम लोग मतलब देखेंगे यार इसके मतलब ये न्यू सिक्योरिटी में ऐसा नया क्या है। मतलब कह रहा था कि भाई 40-50 भाई जेट वगैरह जो भी इनके होते हैं ना फ्लाई एयर जो भी होते हैं भाई वो आते हैं और हमला मतलब अटैक वगैरह करते, तो मैंने उसको बोल दिया। सो यार फटाफट से कॉल कर दे एक बार, अभी कर दे यार, अभी ना टाइम नहीं अपने पास, फटाफट से एक बार कॉल कर दे और उसको एग्जैक्ट लोकेशन दे भाई, वरना ऐसा ना हो कि अपने सर पे गिरा दे। सो गाइस अभी मैंने इसको सारा कहना कह दिया, अभी कॉल कर रहे हैं और लोकेशन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या करना है। सो मुझे भी देखना है कि ऐसा इनके न्यू सिक्योरिटी में ऐसा क्या है, मतलब एयर स्ट्राइक, मतलब ऐसा बॉम्ब गिराते ना भाई, मतलब 20-30 एयर जेट्स भाई जो भी आते हैं और उसमें से ना भाई बॉम्ब ड्रॉप्स होते हैं, मतलब भाई साहब मतलब 40-50 बॉम्ब गिरेंगे और ये लोग सब ख़त्म हो जाएगा। सो मुझे यही चेक करना है यार, ये एक सेकंड यहाँ पे कितने लोग हैं, वैसे गाइस ज़्यादा नहीं है बट चलो यार, अभी मेरे पास $1.5 million पॉकेट पॉकेट के तो आ चुके हैं। सो भाई अभी 1 million में वो अटैक करवा रहा है, तो चलो यार कोई बात नहीं, अभी समझेंगे कि यार गाइस फुकट में हो गया अपना, बट कोई ना भाई 1 million में से बहुत होता है। सो मैंने अभी कॉल वगैरह, ऑल राइट गाइस इसने कॉल वगैरह कर दिया, ऊपर देखो भाई साहब इतने सारे भाई, ये क्या है भाई, अभी बॉम्ब्स भाई इन्होंने ड्रॉप कर दी लगता है, अभी बॉम्ब्स देख रहे हो पता नहीं नीचे गिरने वाला है। और गाइस देखो भाई अभी भाई साहब भाई सारे बॉम्ब ड्रॉप कर दिए और इसके लिए इतना सारा पैसा लिया भाई, और सब कुछ तो वैसे दूर से हमको नज़र नहीं आया भाई साहब, बट ये देखो सब लोग जा रहे हैं गाइस, कितने ज़्यादा थे भाई ये, बहुत ज़्यादा ही थे गाइस, इसके लिए इतना ज़्यादा पैसा लिया है इन्होंने, क्योंकि भाई आपको पता है एक जेट कितना पावरफुल होता है, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में,
सो भाई इनके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो इसका चार्जेस वगैरह और बहुत कुछ होते हैं भाई। सो चलो अभी अपनी बारी है सब कुछ ख़त्म करने की। अब मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई बचा होगा, तो अगर कोई बचा भी होगा तो कोई अपने जो ये स्पेशल रोबोट है ना भाई, इससे बच नहीं पाएगा। इसकी पावर आपको पता है। और एक सेकंड, ये तो बच चुके थे साले की बहस की यार। भाई सबको मारेंगे, टेंशन मत लो भाई, सबकी मौत आएगी भाई, हर एक बंदा मरेगा। चलो भाई अपनी नी सिक्योरिटी फटाफट से अटैक कर दो जो भी बचे बचे लोग हैं ना, और हम लोग ये सब कुछ यहाँ पे चूरा करके जाएंगे भाई। भाई कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं है मिसाइल से, बट चलो यार अभी सारा सब कुछ डिस्ट्रॉय तो हुआ, वैसे बहुत सारे लोग मरे हैं। सो चलो यार अभी ना एक सेकंड सब कुछ तहस नहस कर देंगे अपने पावरफुल भाई AI रोबोट के। चलो यार ख़त्म है भाई, सब कुछ ख़त्म है भाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसकी भैंस की यार भाई इतना तबाह कर देना भाई, सब कुछ तबाह कर देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो भाई सब कुछ भाई यहाँ पर जितना भी है भाई, क्या ही पावरफुल है यार ये जो टैंक, मतलब ये इसको टैंक बोले या AI रोबोट बोले भाई, ये बहुत ही पावरफुल है। जब से हमने इसको और मॉडिफाइड किया ना भाई, ये वैसे ऑटोमेटिकली काम करता है AI रोबोट से, मतलब AI से आपको याद है कमांड्स, बट मैंने इसको मॉडिफाइड करके इसको मतलब वो कर दिया है। तो चलो और भी कुछ लोग भाई, ये लोग और भी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इतनी फैस की आग लग रहा है ना, उन्होंने कॉल कर दिया होगा और ये कहीं आस पास में लोग रहते होंगे। चलो बेटा तुम भी मरने वाले हो, बेटा तुम भी मरोगे। और अपनी जो सिक्योरिटी के पास ना भाई हाईटेक फोन भी है भाई, देख रहे हो क्या ही फुट रहे हैं ना भाई कसम से। अरे भाई मुझे क्या मार रहा है भाई, आराम से भाई बच गया मैं। चलो भाई तुम भी लो भाई, क्या ही स्क्वायर बैठा है ऐसे ही, इस खतरनाक वाला भाई शॉट मारा है अपने ही सिक्योरिटी के बंदों ने। और भी है क्या भाई, और भी लग रहे हैं। चलो वो लोग ना उधर जा रहे हैं, लग रहे हैं और भी लोग होंगे। गाइस अब ना भाई सब कुछ होने वाला है ख़त्म, ये पूरा का पूरा फैक्ट्री में ब्लास्ट करके जाने वाले, इनका सारा बिजनेस तो भाई ख़त्म है भाई। मतलब हम पे अटैक करेंगे तो भाई जान से जाओगे, तो भाई हमसे पंगा लेना मतलब मौत से पंगा लेना। तो भाई इतने पावरफुल हो चुके ना, अब भाई कोई भी हो, कोई भी बंदा हो मेरे सामने भाई सबको फेल दूंगा भाई, वो कोई भी हो फिर। चलो यार अभी यार कैटीवा फटाफट से अटैक कर दो भाई, फ्रैंकलिन वगैरह तुम भी अटैक करो, और अपनी जो नी सिक्योरिटी है ना भाई वो ख़तरनाक है यार, एकदम भाई ख़तरनाक है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ही ख़तरनाक है वो भाई। आराम से भाई कहीं गलत जगह ना मार दो। चलो चलो और भी आ रहे हैं भाई साहब, ये बहुत बड़ी वाली फैक्ट्री है भाई, ये जो फैक्ट्री है ना वैसे बहुत बड़ी है गाइस। हमको लगा इतने थे हमने वहाँ पर अटैक करवाया, बट ये लोग आते ही जा रहे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आते थे इसकी आग तुमको पहलेंगे बेटा। ओ भाई क्या गंदा मरा ना भाई साहब, देखा आप लोग। चलो बेटा तू भी ले भाई, सबको मारेंगे टेंशन ना ले, सबको मारेंगे भाई, मैं तो बस देख रहा हूँ भाई, तुम लोग मारो भाई, मज़ा ही आ रहा है। तुम्हारे पास जो गन है ना भाई वो ऑसम है भाई, क्या ही मार रहा है बंदा, उड़ ही जा रहा है देख, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे वैसे देखने में मज़ा आ रहा है। मतलब ये जो फायर कर रहे हैं ना भाई, ये देखो भाई क्या ही उड़ता है बंदा, वो वाली गन से हाईटेक फोन है भाई, हाईटेक है भाई। वैसे मेरे पास भी हाईटेक फोन है, बट अपने को ये वाली गन चलाने में भाई अच्छी वाली फीलिंग आती है। सो चलो अपन भी चलाएंगे। और भाई इतने सारे लोग भाई इतनी जल्दी ख़त्म हो चुके हैं ना भाई, कैटीवा अपने पास मतलब ख़तरनाक वाली ईवो MP40 लेके घूम रहा है भाई, और ट्रेवर के पास भी बढ़िया वाली गन है। चलो यार भाई सब कुछ तेज तेज कर देंगे, और भाई इनका जो भी है ना भाई, भाई हर चीज़ यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जितना भी ये फैक्ट्री वगैरह दिख रहे हैं भाई सब कुछ ब्लास्ट करके जाएगा तुम्हारा भाई, टेंशन मत लो भाई। यहाँ से मैं AI रोबोट इसको आगे ले जा नहीं सका, क्योंकि वहाँ पे ना भाई पाइपलाइन लगी है पता नहीं ऑयल वगैरह की, तो भाई भाई देख रहे हो भाई पूरा के पूरे जो भी ट्रक्स वगैरह थे भाई सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये लोग देख रहे हो, ये पता नहीं ये मिलिट्री टाइप का कपड़ा क्यों पहना है भाई तूने, भाई ये देखो भाई द लॉस लिखा है, मतलब द लॉस गैंग के बंदे भाई ये साले भाई, मतलब ख़तरनाक गैंग बनने की कोशिश कर रहे हैं भाई। हमारे सामने कोई नहीं है भाई, हमारे सामने मतलब भाई क्या ही बोलूँ यार गाइस, एक सेकंड ये भाई ये GT मस्टैंग है भाई, भाई ये तो बहुत ख़तरनाक कार है भाई, ओ भाई ये तो गाइस बहुत ख़तरनाक कार है भाई साहब, GT मस्टैंग लिखा है इस पर। और एक सेकंड इस पे नंबर प्लेट लोस्ट MC, अरे यार गाइस अभी इसको ना मॉडिफाइड ही करानी पड़ेगी, वरना ये लोग ना भाई कहीं भी देखेंगे ना कार को भाई हमको पेल देंगे गाइस, तो ये कार ना हमको पुलिस वगैरह पकड़ सकती है, क्योंकि इस पे लॉस्ट MC लिखा है गाइस, समझ रहे हो। और लॉस्ट MC मतलब छोटा मोटा नाम नहीं है भाई, बहुत बड़ी वाली गैंग है ये। सो मुझे ये कार को भाई, मतलब ये कार तो वैसे बहुत रेयर है, सो यार ये कार को ना हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं, वैसे ये कार को मैं मॉडिफाइड कर दूँगा बेली के पास भाई, ये कार ना भाई बहुत ज़्यादा, कलर भी बहुत बढ़िया है इसका,
बट यार कलर वगैरह भी चेंज कर देंगे, आप लोग क्या बोलते हो? कौन सा कलर रखे इसका और मॉडिफाइड क्या क्या करा है बता देना। सो चलो यार, अब यार वैसे भाई कैटी में बैठ गया था कार, मैंने देखा रे, और एक सेकंड कुछ हो गया क्या भाई? और भी कुछ लोग आ गए क्या? फैस किया, मुझे पता था भाई, मुझे पता था ये लोग आने वाले हैं, क्योंकि छोटी मोटी गैंग। ओ भाई ये क्या भाई, अपने घर के लेडीज़ को सेंड कर दिया भाई लॉस। यस की भैंस की आग भाई, फीमेल गैंग आ चुकी है लॉस एमसी की भाई। कोई बात नहीं, तुमको फेल देंगे भाई, इनको भी फेल देंगे साला भैंस की आग भाई। भाई ये लोग लग रहा है कमाने गए थे, पता नहीं गए कहाँ गए थे भाई, वापस आ गए थे फिर वैंस में आए साले। भाई तू मर नहीं रही साली भैंस की आग, फेलने की बात भी उठ रही है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी फेल देता भाई साला फीमेल। और कोई है क्या भाई? वैन पे आ रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है सालों, बच के दिखाओ भाई सब कुछ भाई, फेल दूंगा भाई। ये देखो भाई ख़त्म है गाइस, बिल्कुल ही ख़त्म है भाई। भाई मैंने तीनों ने 14 मतलब सबने मिलके मार दिया भाई। ये देख रहे हो भाई, लास्ट टाइम की कपड़े पहने साले, मतलब पंगा ले रहे भाई हमसे यार फालतू का भाई, अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए आ रहे हैं भाई। तुम्हारा बिजनेस तो अभी गया, अब तुमको भाई भीख मांगनी पड़ेगी भाई, वो भी सिग्नल पे। तो भाई चलो अभी सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे अभी, अपनी सारी सिक्योरिटी का एक जगह बुला के ना भाई, सब कुछ जमा करता हूँ, फिर गाइस यहाँ पे बड़ा वाला ब्लास्ट वगैरह कर देंगे और पूरा फैक्ट्री को वगैरह उड़ा देंगे भाई। हमारी ये जो गैंग से मतलब दुश्मन नहीं थी, बट यार ये जो लोग हैं ना भाई, हम पे अटैक कर रहे थे, क्योंकि इनका अभी ड्रग्स का बिजनेस है और अपनी जो रेड स्कल है भाई, एंड उनको लगा कि वो गैंग मतलब समझ सकते हो गैंग वार्स वो होती रहती है ना। सो गाइस कोई बात नहीं, अभी इसको तो बचाना है भाई, इसको ना फूट जाए भाई। सारी सिक्योरिटी को भाई कॉल करना, मतलब इनको ना एक जगह जमा करना होगा, फिर या इससे आप एक बड़ा वाला ब्लास्ट कर देंगे भाई, मतलब खतरनाक वाला, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो चलो भाई फटाफट से तुम लोग आ जाओ भाई, सबके सबको मैंने बोल दिया, अभी सब लोग आते होंगे, और चलो भाई एक जगह सबको मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, सबको एक जगह बुला दिया हम लोग ने, और यहाँ पे अभी ब्लास्ट कर देंगे सब कुछ भाई, हर चीज़ यहाँ पे जितने भी चीज़ें भाई सब कुछ बड़ा वाला ब्लास्ट करेंगे, इनकी जो मेन फैक्ट्री का जो वो है ना भाई, ब्लास्ट कर देंगे गाइस। तो चलो यार फटाफट से ना अब ब्लास्ट करेंगे अपने एआई रोबोट से। वैसे तो भाई सब कुछ मैंने यहाँ पे भाई ब्लास्ट तो भाई देख रहे ऑलरेडी कर चुका है, बट और भी कुछ डिस्ट्रॉय करना था। सो चलो कोई ना कोई ना यहाँ पे अभी घर को डिस्ट्रॉय करेंगे ना भाई, अभी हमने सारे ट्रक्स वगैरह तो फोड़ दिए, अभी तो भाई घर वगैरह को ब्लास्ट करेंगे, और देखते आग वगैरह लगती है कि नहीं भाई। आग वगैरह लगनी चाहिए भाई, फैक्ट्री है ना भाई, भाई फैक्ट्री है। यहाँ पे मेरे मिसाइल भाई पता नहीं यार, ये कमांड कुछ ख़राब हो गया है भाई, मैं मिसाइल छोड़ रहा हूँ ऊपर जा रहे भाई। कोई जगह अपने को यही पावरफुल है भाई, इससे आग वगैरह लग जाए तो बढ़िया चीज़ है भाई। आग वगैरह भी लगनी चाहिए यार, मतलब हम लोग बड़ा वाला ब्लास्ट भी कर देंगे भाई। एक सेकंड यहाँ पे ना गए, अचानक से भाई आग वगैरह लग गई, बहुत खतरनाक वाली, पूरी ज़मीन हिल रही है भाई, क्या था ये भाई, पूरी ज़मीन शेक हो रही थी भाई साहब। मैंने भाई अपने रोबोट को पीछे ले लिया भाई, मेरी तो फट के हाथ में आती थी, मुझे लगा क्या हो गया भाई, पूरी कंपनी मतलब जो भी गलत चीज़ें वगैरह सब कुछ ब्लास्ट वगैरह हो चुका है। सो चलो यार अभी ना गाइस अपने ये जो न्यू कार आ रहे हैं उसको मॉडिफाइड करवा देते हैं, वरना गाइस और कुछ भी अमर से कांड वगैरह हो जाए। सो चलो फ्रैंकलिन वगैरह को बोलता हूँ, ये जो मेरा एयर हो बनेगा भाई, मेरे मेलिन को ऐसे खड़ा कर दो, और अपनी जो भी सिक्योरिटी भाई तुम लोग भी आराम कर दो, बहुत थक गए होंगे और अपने को बहुत बड़े बड़े काम करने, और जो क्लाउड का बच्चा है ना उसकी बैंड बजानी है और प्लानिंग वगैरह करनी है गाइस, क्योंकि ये क्लाउड का बच्चा भाई कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं, समझ रहे? ये क्लाउड का बच्चा ना भाई ज़्यादा ही शाना बन रहा है, इसको लग रहा है ये बंदा अपने वर्ल्ड में होगा डॉट, ठीक है ना, बट मेरे सामने ये बंदा कोई भी नहीं है। इसको लग रहा है ये मुझे भी मार देगा, जैसे इसने अपने इसने GTA 3 में सबको मारा था भाई। इसको नहीं पता ये GTA 5 में आया, ये GTA 3 नहीं है, GTA 5 और GTA 3 में डिफरेंस होता है भाई। तो इसको भी इसकी औकात दिखा देंगे, एक सेकंड ये तो रह गया भाई, इसको भी ब्लास्ट कर देंगे मैं इसकी आग। अब ये क्लाउड के बच्चों को उसकी प्लानिंग करनी होगी, पता नहीं यार इससे मैंने पंगा वैसे तो लिया नहीं, बट ये ना मार्टिन का फ्रेंड था, और भाई चलो यार अब ये दुश्मन होता है तो भाई इसको भी मार देंगे। बट ये बंदा मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी थी, बट ये पता नहीं दुश्मन कैसे बन गया भाई। चलो यार कोई बात नहीं, आगे जाके पता चलेगा, और उसकी इसको भी उसके मतलब लेके जाएंगे ऊपर, और उसको भी दिखा देंगे अपन माइकल क्या चीज़ है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो सो यार वीडियो को लाइक करो, और चलो फटाफट से आपको मिलते हैं बेनी के घर के पास, और वहाँ पे अपनी कार को मॉडिफाइड करवाते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं बेनी के वर्कशॉप पर, और इसको ना मॉडिफाइड करवाएंगे बढ़िया सी, और गाइस इसको कह देंगे यार बढ़िया सा कुछ कर दे,
एंड इसके नंबर वगैरह प्लेट भाई सब कुछ ना भाई बिटा दे भाई, जो हो सकता है कर दे गाइस। एंड सब कुछ ना एक सेकंड भाई, भाई ये क्या हो रहा है, ये बेनी है ना भाई, बेनी को क्यों मार रहा है इसकी भैंस चिया भाई, चल क्या रहा है भाई साहब, तेरा दिमाग ख़राब कर रहा है भाई, क्या चल रहा है, ये बेनी को कौन भाई ये मार क्यों रहे भाई, हुआ क्या है, एक सेकंड, ये बेनी है ना और इसकी वाइफ को भी भाई ट्रिगर कर चुका है गन शॉट से भाई, हुआ क्या, हेलो हेलो भाई, हुआ क्या है भाई, हेलो हेलो भाई, ए बुड्ढे भाई, बुड्ढा देख भी नहीं रहा इधर भाई, टकला देख भी नहीं रहा इधर भाई, सब मारने में लगे सब भाई, हेलो हेलो भाई, छोड़ दो उसे, हुआ क्या बोलो वरना सबको मार दूंगा भाई, हेलो भाई साहब क्या हो गया भाई, ये कह रहे हैं कि तुम इधर से निकल जाओ, इसका बॉडीगार्ड आई थी ये टकला, मुझे लग रहा है इनका बॉस है, ये कह रहे हैं कि तुम इधर से निकल जाओ वरना गोली वगैरह मार दूंगा भाई, भाई इनको पता नहीं किससे पंगा ले रहे हैं भैंस की आग भाई, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ भाई, भाई एक सेकंड गाइस, इसका ना बॉस वगैरह आ गया बात करने के लिए, पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई, क्यों मार रहे हो बेनी को पता जल्दी से भाई, ये कह रहा है कि देख भाई तू इधर से चला जा, इस तरह मेरी एक रेयर कार थी, वो रेयर कार मैंने इसको मॉडिफिकेशन करवाने के लिए दी थी, बट इसके शोरूम में मतलब इसके वर्कशॉप पे वो चोरी हो गई, और ये कह रहा है कि अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ से ला के दूंगा, तो ये कह रहा है कि जब तक मुझे नहीं मिलती मैं उसको ऐसे ही मारते रहूँगा, और ये जो बेनी का वर्कशॉप है ना ये मेरे कंट्रोल में रहने वाला है। गाइस ये तो सही बात है यार, अभी कोई भी कार अगर आता है ना रेयर कार, अगर उसको नहीं मिलती है तो फिर ये तो मारने वाला है ना यार, ये कह रहा है कि देख जब तक मुझे ना वो कार $5 मिलियन की थी, और ये जो शोरूम दिख रहा है मतलब वर्कशॉप है ना भाई, ये भी ओपन नहीं हो, मतलब इसको भी मैं लॉक करके रखा हूँ, और ये भी मेरे कंट्रोल में रहने वाला है मेरी सिक्योरिटी की। ये बंदा भाई ये कह रहा है कि देखो यार इसको ना अभी पैसा वगैरह मेरे अपना $1 मिलियन वैसे पड़ा है ठीक है ना, ये कह रहा है कि $5 मिलियन की इसकी कार थी भाई, देख $1 मिलियन ले लें, बट अब ना इसको छोड़ दे यार भाई ठीक है, कल ना तेरे को ये कार वगैरह हम सब कुछ दे देंगे ठीक है, इसको बस छोड़ दे, अब तेरे को पैसा मिल गया ना भाई, अब तो छोड़ दे यार भाई, बेनी को अब तो छोड़ दे यार, अभी भी मारे जा रहे गाइस भाई, यार बेनी क्या करता है यार, दूसरों की कार लेता है वापस नहीं देता यार, छोड़ दो भाई, दे दिया है पैसा भाई यार, भाई यार टकले कुछ कह देना उसको भाई, दे दिया ना, कल दे देंगे, कल नहीं मिले तो भाई कल, मतलब यार गाइस यार मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, भाई अब ना इन ये लोग ने मारना कम कर दिया है बेनी को, और ये कह रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ पर ही रहने वाला है, अब ना भाई साहब तुम इधर से निकलो, हम तो कहीं जाने वाले नहीं है, बस मेरा बॉस ये मतलब ये टकला है ना भाई, ये जा रहा है अपने घर, और इसकी जो सिक्योरिटी है ना भाई वो यहाँ पर ही रहने वाली है भाई, नज़र रखने वाली है यार, गाइस यार बेनी क्या काम करता है यार, लोगों के कार लेता है फिर वापस देना तो चाहिए ना गाइस, अब वापस पता नहीं उसका भी कुछ प्रॉब्लम होगा, उससे भी हम लोग बातचीत करेंगे बेनी से, बहुत मार लगी और इसकी वाइफ को भी ना भाई साहब गाइस लगता है टॉर्चर वगैरह किया है, सो चलो यार वो तो चला गया भाई, मैं सही टाइम पे आ गया, वरना ये लोग ना भाई बेनी को मार ही देते, बेचारा बेनी यार क्या ही करेगा, अभी इसके पास इतनी बड़ी वर्कशॉप है भाई, पैसा वगैरह तो देना चाहिए था ना यार, मार भी खा रहा है भाई, पता नहीं यार $5 मिलियन में से छोटी रकम तो होती नहीं है गाइस, बहुत बड़ी होती है, बेचारा वर्कशॉप वाला था इतना पैसा तो लाएगा नहीं, मतलब ये बड़े बड़े कार्स को मॉडिफाई करता है बट बड़े वाले कार्स थोड़ी ना चलाता है, तो ये भी सही है, चल यार बेनी फटाफट से आ जाओ, और अपने अरे भाई देख रहे हो क्या ही कार चला रहा है भाई, अपने आदमी को टोक दिया, चल यार मैं तो अपनी कार को मॉडिफाई करवाने आया था, और यहाँ पे तो कुछ अलग ही चैप्टर चालू है भाई, पता नहीं यार किसने इसकी कार चुरा ली बेचारे की, और इसका भुगतान ना भाई बेनी को करना पड़ रहा है, चल बेनी बैठ जाओ, और एक सेकंड तेरी वाइफ कहाँ पर बैठेगी भाई, एक सेकंड भाई एक काम करते तू ना थोड़ी एडजस्ट कर ले जगह पर, अब दो सीटर है गाइस, अब इसकी वाइफ को कहाँ बिठा देंगे यार, तू भी बैठ गया, तेरे वाइफ को बैठा देता पहले, बट चलो ठीक है, वो कह रहा है कि वो वहाँ पर ना बाइक खड़ी है, चलो यार स्कूटी खड़ी है वहाँ पर गाइस, भाई स्कूटी देख रहे हो कितने गरीब लोग यार, वैसे मतलब गरीब तो नहीं है, एक सेकंड स्कूटी लेने गई थी ना, ओ एक सेकंड भाई ये सुपर बाइक मुझे लगा स्कूटी पे आएगी भाई, यार गलत फैमिली हो गई भाई, पैसे वाला है वैसे बेनी, बट यार देने चाहिए थे ना भाई, तो यार बेनी तू मुझे बता यार ये क्या सीन चल रहा है, ये क्या लोग है भाई, तेरे को मार क्यों रहे ये
ऑलराइट गाइस, ये मुझे कह रहा है कि यार देखो कुछ लोग आए थे कल रात और इसको मारा पीटा, और इसके भाई टोटल 6 कार्स थे जो कि बड़े बड़े मतलब होते हैं ना बिजनेसमैन वगैरह भाई, वो उन लोग के कार थे मॉडिफाइड करवाने की थी, और उन्हीं में से ये एक बंदा था और सबके कार एक बंदा आया और सब कुछ चोरी कर ले गया। मतलब भाई वो बंदा पता नहीं कौन था, कह रहा था मास्क लगा के आया। भाई साहब ये बंदा कौन है भाई साहब, पूरे के पूरे कार वगैरह चोरी करके चला गया, और वो कह रहा है कि तू माइकल का दोस्त है ना इसलिए तेरे को हम लोग कर रहे हैं, और जब तक तू माइकल का दोस्त है मतलब गाइस ये मेरे वजह से हुआ है भाई। ये कह रहा है कि उसने माइकल का नाम दिया सिर्फ और सिर्फ माइकल की वजह से तू खतरे में है। तू गाइस ये कह रहा है कि देखो अब ना तुम मेरे से दोस्ती मत करो, मेरी कह रहा है कि तुम ना मेरे दुकान पे शॉप पे कभी मत आना। यार ये तो गलत है गाइस, भाई अपने वजह से अपने फ्रेंड को नुकसान हो रहा है। यार देख बेनी अभी तू ऐसे तो कोई कर नहीं सकता ना, अभी फ्रेंडशिप तोड़ के क्या फ़ायदा, अभी चल मैं तेरे को ना मेरे शॉप पे ले चलता हूँ। गाइस मैंने ना इसको मेरी शॉप पे ले आया हूँ, भाई मैं बोल रहा तू ना जब तक तेरा वर्कशॉप आता नहीं है तू मेरे शॉप पे काम कर, मैं तुझे पैसा दूंगा, काम कर और ये कार को मॉडिफाइड भी करवा ले, और मैं तेरे को सैलरी वगैरह भी दूंगा, अगर मतलब जितना तू कमाता है उतना दे नहीं पाऊंगा, बट चल यार अगर मेरे वजह से हुआ है जब तक तेरा मतलब आता नहीं है तो तू यहाँ तक मतलब जो भी तेरे कस्टमर वगैरह जो भी कॉल वगैरह आते तू इनको यहाँ पर बुला ले और थोड़ा पैसा वगैरह कमा ले। भाई मैं पैसा नहीं लूँगा तेरे से, तू यहाँ पे फ्री का काम कर, सब कुछ तुझे मिल जाएगा पैसा वगैरह रहने की चीज़, और तेरी वाइफ को भी दे देंगे कुछ ना कुछ, तुम दोनों मिलके काम करो और पैसा वगैरह कमा दो गाइस। तो यार ठीक है ना गाइस, मैंने अच्छा ही काम किया वैसे, बट ये अपनी गलती है, पता नहीं मुझे लग रहा है ये क्लाउड होगा या जो भी है ना भाई डगन के दोस्त लोग हैं भाई वही लोग कुछ कर सकते हैं भाई, मुझे तो यही लग रहा है। एक सेकंड यहाँ पे तो जगह फुल है यार भाई। हेलो हेलो, तुम लोग का कुछ काम चल रहा है क्या? ये वैसे अपना ही शोरूम है भाई, रास्ते में से हट जा भाई, मुझे ना कार लगानी वहाँ पर, और हमारे न्यू मतलब ये तो लोग जानते हैं बेनी को, क्योंकि बेनी ने अपना ये सब कुछ बिजनेस करवाया है तो ये लोग बेनी को जानते ही पहले से, मैं खुद मतलब समझ ही सकती हूँ। तो चलो भाई फटाफट से ना मैं कार को, एक जगह खाली है वैसे, अपना बहुत छोटा वर्कशॉप है गाइस, अपने वैसे तो शोरूम की दुकान है बट हमने वर्कशॉप भी खोल रखा है। वैसे तो बेनी का ना बहुत बड़ा वाला वर्कशॉप है गाइस, अपना तो सिर्फ छोटा मोटा ही है, बट चलो यार छोटा हो या बड़ा हो भाई वैसे अपने पास ना गाइस हर चीज़ अपन लोग करेंगे आगे जाके। ठीक है भाई चलो यार, ये अपनी भाई सब लोग ना ये कार को मिलके, बट मुझे ना बेनी से मॉडिफिकेशन करवानी है, क्योंकि बेनी जो करवाता है ना भाई सबसे खतरनाक मतलब मॉडिफिकेशन करवाता है। तो ठीक है भाई फटाफट से गाइस यहाँ पे ना इसको हम लोग करवा देते हैं, और यहाँ पर ना इसको सही जगह पे बराबर पार्क वगैरह मतलब करवा ही लेते हैं। ठीक है भाई चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से भाई यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना हो जाए, स्क्रैच वगैरह ना आ जाए भाई। इसको ना बढ़िया सा इनको बोलता हूँ यार, इसको ना भाई इसकी नंबर प्लेट और इसका कलर वगैरह हर चीज़ चेंज कर दो जो कि पहचान में आनी चाहिए। बेनी कहाँ गया बेनी? अरे बेनी मेरी बात सुन, इसको ना ऐसा कर दे जैसा करना है वैसा कर दे, तेरे को मोटा पैसा नहीं। सो गाइस मैंने इसको सारा के चीज़ बता दिए, वो कह रहा है कि ये तू मेरा भाई हाथ का खेल है, तुम अपना काम करो। और गाइस ये अपने जो जी वैगन है अभी तक सेल नहीं हुए यार, नुकसान हो रहा है अपना गाइस, अपना जो पता नहीं यार गाइस मुझे भी अपना जो वो है ना गाइस ओनर मतलब जिसको अपन ने बना रखा है मैनेजर, और यहाँ पे ना ये जो AMG मर्सिडीज़ थी वो अपन ने उसको गिफ्ट कर दी थी, बट यहाँ पे कुछ नए कार्स वगैरह अपने स्टॉक में आ चुका है, बट जी वैगन ज़्यादा सेल नहीं हो रहे गाइस, सिर्फ मैंने लाए थे वैसे, तो चलो मैनेजर से बात कर लेंगे बाद में कभी। और यहाँ पे न्यू स्टॉक आया भाई, लग रहा है ना ये जो पहले थे ना भाई यहाँ के सारे बिक चुके हैं, सो चलो बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आ रहे हैं गाइस। और फोटोग्राफर भी अपना ही है भाई जो कि ना अपन लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं मतलब होता है ना ऐड वगैरह, सो ये अपना काम सब कुछ इधर कर रही है अपनी जो भी है, मैनेजर ऊपर बैठी है एंड अपना तो गाइस यहाँ पे चल गया फटाफट से ना। और अपने को बहुत कुछ काम करना है, मेंशन खरीदना है और ये क्लाउड के बच्चे की प्लानिंग करना है, और ये क्लाउड ज़्यादा ही कर रहा है मुझे लग रहा है, ये जो भी सब कुछ किया है ना ये क्लाउड ने ही किया है। और यहाँ पे अपनी मॉन्स्टर सिक्योरिटी वगैरह भी लगी है, और ये लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं यार दूर से ना, बढ़िया लगता है गाइस। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी अपना बिजनेस को आगे लेके जाए और बहुत बड़े बड़े वाले डील करें,
तो मुझे एक बढ़िया सा बिजनेस बताओ, क्या बिजनेस करूँ जिससे अपने को मोटा पैसा आए और अपन इतना रीच हो जाए ना, इतना रीच हो जाए अपन हर चीज़ खरीद सके। तो मुझे आप लोग चैट में बताओ हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम लोग अमीर हो जाए। और यहाँ पे देख रहे होगे अपना जो भी वर्कशॉप का डिपार्टमेंट है ना भाई, पैसा वगैरह आ रहे हैं ना भाई, मस्त है कि काम करो। इधर कोई मेरे को ग्राहक वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, एक अपना कस्टमर आके बैठा है उधर, जो अपना मैनेजर है दूसरा वाला वर्कशॉप का मैनेजर, वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। चलो यार बढ़िया सा काम करते रहो और अपन अपने अपने काम में लग जाते हैं। और चलो यार इस फटाफट से चल। क्लाउड क्लाउड, तुम्हारे पास इतना समय था उस माइकल को पीछे से मारने का? हाँ वो तो था, बट मैं कभी किसी को पीछे से नहीं मारता, यही मेरे लाइफ का रूल है। कोई बात नहीं क्लाउड, तुम जाओ और प्लानिंग करो माइकल को मारने की। हाँ ठीक है, उस माइकल को तो मैं ही मारूंगा, उसके सिक्योरिटी को और सबको, और उसको मैं जमीन पे लाके दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। पीछे से नहीं मारेगा तो क्या सामने से मारेगा? हमें ही कुछ करना होगा बड़े भाई, इस चोमो से कुछ नहीं होने वाला। छोटे अपने रोबोट आर्मी रेडी करो, देखते हैं ये माइकल कितना पावरफुल है। ठीक है बड़े भाई, रोबोट आर्मी के साथ मैं खुद जाऊंगा फाइट टेन। चलो गाइस एक सेकंड, गाइस एक सेकंड, इसकी है इसकी आदत में जादू में बैठा हूं। और ये क्या हो गया भाई, भाई आराम से कर तेरा एक मोस्ट सिक्योरिटी का बंदा, भाई आराम से भाई, ये कौन लोग है यार? मेरी तो भाई हालत खराब हो गई यार, पता नहीं यार ये क्या सीन है यार, अगर तू फाइट करके आया हो एंड पहले ही गाइस गैंग के बंदों के बारे, ये कौन है भाई, ये तो रोबोट टाइप के नजर आ रहे हैं। और ये कौन है भाई छपरी जैसा, मतलब जो कर ये भाई थारी ने उड़ा दिया उसको भाई, FIB वालों मतलब जो भी फायर उनके डॉलर ने उड़ा दिया उसको। चलो भाई एक सेकंड, ये पता नहीं अचानक से भाई अटैक कर दिया मेरे को भाई, अभी तो हाईटेक वेपन निकालनी पड़ेगी भाई, बहुत हो गया भाई, हाईटेक वेपन यूज़ नहीं कर रहा हूँ एंड अभी तो यूज़ ही करने पड़ेंगे भाई। ये इंसान भी नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या सीन है भाई यार, किसकी है इसकी यार, कोयला कैसे इनको ना इनकी, एक सेकंड एक ये इसको कुछ हो ही नहीं रहा भाई, इसको अभी गाड़ी ने उड़ाई और अभी ना पता नहीं यार क्या सीन है। चलो कोयला कैसे फिर भी इसकी भाई रॉकेट छोड़ रहे, पता नहीं कैसे क्या क्या छोड़ रहे हैं, मेरे को आगे जाना पड़ेगा भाई, तुम अगर ऐसे चलते रहा ना भाई ये मेरे शोरूम को उड़ा देंगे भाई, आराम से भाई मेरे को आगे जाना पड़ेगा भाई। अगर मेरे को मारना है तो वैसे पता नहीं मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, वरना मेरे को मारने की कोशिश किया ना वरना कि एक सेकंड भाई बच गया भाई कसम से भाई साहब, बहुत ज़्यादा आगे आ गए, जल्दी से मेरी मोस्ट सिक्योरिटी मेरे पास आ, जल्दी से आ जाओ भाई। ये बंदा कौन है भाई, इतना पावरफुल है भाई, भाई तो मर ही नहीं रहा यार, इसको कितना मारो भाई, एक सेकंड भाई भाई, अरे भाई भाई उसके पास भी अटैक भी फोन है भाई साहब, क्या पहना है इसने, देखो इतने मोटे कपड़े हैं भाई, कुछ ही नहीं हो रहा है इसको कसम से भाई साहब यार, पहले इनको मार देता हूँ फिर उसको अकेला मारेंगे सब मिलके भाई, मारो यार कुछ हो ही नहीं रहा इनको तो भाई, ये रोबोट से भाई पता नहीं क्या, ये रोबोट है इंसान है यार, यार तुम लोग मारो मोस्ट सिक्योरिटी भाई फटाफट से मारो यार, गाइस मेरे पास आइटम ऊपर नहीं इसलिए भाई इनको मार पा रहा हूँ, वरना सादे गन से तो मर ही नहीं पाएंगे कसम से बता रहा हूँ, ये सादे गन से मर ही नहीं रहे यार बिल्कुल ही। एक सेकंड मेरे को ना लॉन्चर निकालना पड़ेगा, एक सेकंड ये कौन सा लॉन्चर निकल गया भाई, भाई साहब फटाफट से ना इनको बताना पड़ेगा, एक सेकंड भाई साहब ये दो भाई साहब, अब जाके मज़ा आ रहा है भाई साहब, ये रोबोट से भाई बिल्कुल ही भाई, ये सारे के सारे रोबोट से बिल्कुल ही, मतलब अब जाके ना भाई मर रहे हैं भाई विदाउट रिलोड के मार रहे हैं भाई मेरी गन भाई, खतरनाक लॉन्चर है अपने पास होमी लॉन्चर, कोई ना भाई इसको मारना पड़ेगा, एक सेकंड भाई वो बंदा पता नहीं कहाँ गया, वो खतरनाक बंदा फुल वेस्ट वगैरह पहन के आया था, मास्क वगैरह पता नहीं भाई, एक सेकंड भाई क्या हो रहा है, ऊपर भी है क्या भाई, ये कलर चेंज कर रहे हैं पता नहीं क्या सीन है, वाइट कलर हो जा रहा है इनका एंड नज़दीक से देख रहे समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक सेकंड भाई तू भी ले भाई, बढ़िया हो मेरे पास सारे के सारे अटैक वेपन्स थे, वरना भाई प्रॉब्लम हो जाती, वरना भाई ये तो पूरे रोबोट से टाइप ही तो मरने वाले नहीं थे भाई, बढ़िया हो गया गाइस, मैंने हर चीज़ ना कैरी करके घूम रहा हूँ आजकल, क्योंकि आपको पता है कितने ज़्यादा हमारे भाई दुश्मन हो चुका है कसम से भाई, कोई ना गाइस ये अटैक जिसने भी करवाया ना भाई, भाई इसमें क्लाउड वगैरह मेरे को नज़र नहीं आ रहा, एक सेकंड भाई कौन मारा मुझे भाई साहब, भाई ये बंदा है कौन भाई, तुम लोग मारो ना भाई इसको भाई, ये पावरफुल नज़र आ रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है इसको भाई, इसकी भैंस की आप तेरी भैंस की भाई, कुछ नहीं हो रहा है देखो भाई, अब न साले को कुछ ना कुछ हो जाए भाई, इतना मार रहे हैं सब लोग मिलके
एक सेकंड को पीछे से मार रहा है क्या मुझे भाई? इसको मार दूँ पहले साले ये ले। एक सेकंड, ये कौन है? फायर ब्रिगेड वाला है क्या भाई? आई थिंक ना सब खत्म हो चुका है। और भाई ये अभी भी इतना ताकतवर है, इसको कुछ हो ही नहीं रहा भाई। ये वेस इतना पावरफुल है, ये कौन है भाई? अरे ये तो वही है गाइस, मुझे याद आया, ये तो जब हमने मार्टिन के गोल्ड माइन में अटैक किया था ना भाई, जो दो बंदे थे भाई उसमें से ये एक वाला है। आई भाई 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 भाई, मुझे अब याद आया गाइस, ये बंदा वही है जो जो हमने गोल्ड माइन पे गए थे ना। एक सेकंड, ये पुलिस की आवाज़ आ रही है मुझे भाई। पुलिस वगैरह क्यों आ गई भाई? मैम ने यार गाइस मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है भाई, यार पुलिस आ चुकी है भाई। अब ना मैटर ज़्यादा ही क्लोज हो चुका है, पुलिस से पंगा ले नहीं सकते क्योंकि प्रेसिडेंट अपना फ्रेंड है भाई। केस वगैरह लग सकते अपने को भाई। देखो गलती हमारी तो नहीं है भाई, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है भाई, तुम देख लो भाई, हमने कुछ भी नहीं किया भाई, वहाँ पर सीधा अटैक हुआ है भाई। पुलिस आ रही है इतने भाई, सब कुछ मैटर होने के बाद आ रहे हो तुम लोग, थोड़ा जल्दी आता ना। कितने लोग मर चुके हैं, मेरे कस्टमर लोग तक मर चुके भाई। हेलो ऑफिसर, ये कह रहे हो कि तुमको अंडर अरेस्ट करना होगा भाई। क्यों भाई, हमने क्या किया है? देखो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है ना? मैं हम तो कुछ सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, हमको बचाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, हमने तो कुछ ही नहीं किया। ये कह रहे हैं कि तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखानी पड़ेगी भाई। मेरे पास सब कुछ है भाई, तुम देखो भाई, ये पता नहीं कौन बनता है, मैं तो जानता भी नहीं उसको। ये कह रहा है कि एक हाथ से डाली नहीं बचती। अरे भाई मैं प्रेसिडेंट का फ्रेंड हूँ भाई, एक कॉल करवाएंगे ना तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा कहीं भी भाई, समझ रहे हो भाई? ये बंदा मैं खुद नहीं जानता, तुम खुद उससे पूछ लो भाई, और मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है इससे भाई। तुम जाके उसको उठा लो, जो करना करो भाई। भाई ये कह रहा है कि तुम्हारा सब कुछ बिजनेस वगैरह जो भी चल रहा है ना, शोरूम सब कुछ बंद, और तुमको जेल के अंदर लेके जाएंगे और केस वगैरह चलने वाला है। तुमने इतने लोगों को मारा है भाई, ये लोग भी नहीं है, ये तो रोबोट्स है भाई। ऑफिसर ये तो रोबोट्स है ना, ये तो आप ही देखो एक बार, हमने कहा किसी आदमी को मारा, ये भी जिंदा है, उल्टा हमारे लोग मरे। सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास। ये कह रहे हैं कि तुम हमारे ऑफिसर को ना सीसीटीवी दिखा दो भाई। चलो आ जाओ, तुमको दिखा देते हैं भाई। यार मतलब ये कह रहा है कि तुम पे ना इतने सारे केसेस लग सकते, तुमने इतनी मतलब डिस्ट्रक्शन की यहाँ पर भाई। देखो कौन से एंगल से इंसान नज़र आ रहा है, आप लोग देखो, आप लोग ही देखो ये इंसान है क्या है भाई। तुम पोस्टमार्टम करो ना, इसका अंदर से क्या निकलता है भाई, केला निकलता है, बैटरी निकलती, क्या निकलता है पता चल जाएगा तुमको यार। चलो भाई साहब, इतने सारे देख रहे हो, मेरा मोस्ट सिक्योरिटी का एक बंदा मर चुका है, एक नहीं भाई चार पाँच मर चुके आई थिंक यार। ये पुलिस केस हो चुका है सभी। हाँ यार इसमें हमारी क्या गलती है, आप लोग ही बताओ भी। सीसीटीवी, ये देखो एक और मरे यार, इस कसम से उन्होंने भाई खतरनाक वाले भाई रॉकेट लॉन्चर लाए थे कसम से यार। अब इनको ना सीसीटीवी फुटेज दे देंगे भाई, क्योंकि हमारी गलती नहीं ना भाई, ये बीच भाई सिटी के अंदर हुआ है, ये अलग बात है कि कहीं अलग होता है ना फाइट वगैरह तो पुलिस वगैरह नहीं आती। देखो मैडम अंदर से ले लो जाके, ठीक है ना? मैं तो बॉस हूँ यहाँ का, मैं तो दे नहीं सकता, अंदर मेरी मैनेजर है वो सब कुछ हैंडल करती है, तो भाई तुम अंदर जाके ले लो, क्योंकि मैं तो नौकर हूँ नहीं भाई, तुम खुद अपना काम करो यार। वो ना भाई गुस्से में नज़र आ रही, वही गई अंदर भाई साहब। ये इतनी सारी पुलिस आ गई ना भाई साहब, मुझे लगा मैं तो जेल के अंदर जाऊँगा, बट गाइस फाइनली ना पुलिस वाले जा रहे हैं, उसको उठा के ले गए और पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं उसको भाई। अपने को क्या गाइस भाई, यार वो बंदे को अपनी से क्या दुश्मन थी भाई, ये मार्टिन के फ्रेंड लग रहा है, ये क्लाउड का बच्चा, और ये पता नहीं मास वाला बंदा कौन था भाई, ये भी मेरे को मारने के लिए आ गया, वो भी रोबोट वाली आर्मी लेके। गाइस यार ये तो ज़्यादा ही वाला पंगा हो चुका है भाई, मैं बच गया, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे और ये इंसान नहीं था गाइस। और भाई हमारे कस्टमर मरे, उनका क्या भाई? भाई उस बंदे ने हमारे कस्टमर को मारा है भाई, उस पे केसेस लगने चाहिए ना भाई, उसको जेल में डालो। वो कह रहा है कि उसको ना हम लोग एम्बुलेंस ले जा रहे हैं, पता नहीं वगैरह वगैरह वो क्या कह रहा था भाई साहब। मैं बच गया गाइस कसम से, कोई इंसान वगैरह हमने नहीं मारा है भाई, वो भी जिंदा था, बट चलो यार गाइस। ये ऑफिसर ने यहाँ पे खड़ी है भाई, फटाफट से दे दो उसको क्लिप वगैरह और भगाओ इसको यहाँ से भाई, चुप फालतू का दिमाग खराब कर रही है ऑफिसर यार। चलो फटाफट से लगा सभी, मेरे को भाई कुछ करना होगा यार। एक बेनी, अरे तू कहाँ जा रहा है भाई, क्या हो गया बेनी? बेनी कह रहे कुछ पार्ट्स वगैरह लाने हैं भाई मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, क्योंकि भाई जो मैं यूज़ करता हूँ ये तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है भाई। यार चल यार ठीक है, फिर चलते हैं यार। गाइस अभी तेरे को पता ही क्या सीन हुआ है भाई, यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई, मैं जेल जाते थे बचा, तू कहाँ था भाई? ये कह रहा है कि मैं तो देखो हेडफोन लगा के काम करता हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं पता भाई बाहर क्या। भाई क्या है भाई ये बेनी का बच्चा? गाइस इसकी स्पीड देखो यार, ये बाइक देख रहे हो ना
भाई 220 की स्पीड क्रॉस कर चुका हूँ भाई। ये बंदा गाइस पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं अपने, कितने दुश्मन हो चुके हैं गाइस कसम से आप लोग देखो भाई, इतने ज़्यादा दुश्मन हो चुके हैं ना हमारे यार, इतने बालास वैगर्स एंड लॉस और वगैरह वगैरह बहुत कुछ गाइस। तो चलो यार अभी इसके ना कुछ पार्ट्स वगैरह लेने हैं हमको यार, फिर आगे फिर देखते हैं सोचते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो चलो यार फटाफट से ना चलते हैं। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना हम लोग आ ही गए थे रास्ते में, एंड बेनी मेरे को कह रहा है कि भाई ये देख ये जो कार है ना भाई वही कार है जो कि अपने को देना है 5 मिलियन वाली जो कार है ना भाई, जो अपने को मतलब जिसने अपना बेनी का वर्कशॉप मतलब हैंडल किया कंट्रोल किया ना, जो जो मारपीट कर रहा था वही उसी की कार है, और ये जो कार के अंदर बैठा ना वो हो सकता है जिसने ये कार को चुराई है भाई। रुक रुक साले रुक, इसको ना बेनी कह रहा है कि गोली वगैरह मत मारना क्योंकि ना ये पूरा का पूरा प्योर गोल्ड है भाई, जो कि गाइस इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते यार भाई। बेनी कुछ तो कर सकते होंगे ना, अब उसको मारेंगे कैसे, वो बुलेट प्रूफ कार है। एंड यार बेनी कुछ कर यार, तू कैसे बात कर रहे हैं उसको एक बात, अरे यार गाड़ी इतनी पावरफुल है भाई तेरी भी, इतनी पावरफुल बाइक है भाई, सस्ती वाली मॉडिफिकेशन करवाई तूने, बस बाहर का कुछ किया है अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई। ये कह रहे हैं कि यार देख कुछ मत करना वरना भाई फिर तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, मतलब इसको अगर हमने मार भी दिया ना। गाइस पता नहीं यार वो कार इतनी फास्ट चल रही है, कह रहा है कि कुछ मारना मत उसको, अगर तुम मार भी दोगे तो कुछ हमारा फ़ायदा होगा नहीं गाइस, क्योंकि इसमें जो भी गोल्ड वगैरह लगा है भाई, जो भी डिज़ाइन वगैरह लगा है वो तो ठीक होने वाला नहीं है भाई। यार कहा गया बेनी देख यार तेरी जो खटारा जो बाइक है ना भाई, टक्कर देके हम गिर गए और हमारी स्पीड कम हो गई, वरना मैं इसको चेज कर ही रहा था यार, बस यार एक गोली मारनी थी काम खत्म था। बट यार ये बंदा पता नहीं कौन है गाइस, ये क्लाउड था या कौन था मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई। बेनी अब क्या एयरपोर्ट में कार ढूंढे तू ही बता भाई, इतनी फास्ट कार तूने मॉडिफिकेशन करवाई है भाई। वो कह रहा है कि ये उस कार की स्पीड ना टोटल 600 प्लस है भाई, सिर्फ उसमें उसने रेड बटन दबा दिया होगा, उस रेड बटन से ना उसकी स्पीड बढ़ गई होगी भाई। यार कौन कौन से रेड लाल काला वाला बटन लगाता है यार, क्यों लगवाता है कारों में यार, अब कार ढूंढेंगे उसको यार, पता नहीं गाइस कहाँ चले गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई यार। अब किसी को पूछते हैं यहाँ पर गाइस क्या बताना, कोई बंदा मिल जाए और यहाँ से एक एयरपोर्ट में जा रहा है, वेट करते हैं उसको जाने देते हैं यार, वरना हम इसके बीच में ना आ जाएंगे इस। यार क्या करेगा इस, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस कार को मैं कार ढूंढूँ पता नहीं कहाँ चली गई यार बेनी, कुछ कर वहाँ पे ना, कुछ लोग मेरे को नज़र आ रहे खड़े भी गए भाई, ये एरोप्लेन जा रहा है भाई, इसी को देख रहे हो भाई। एक सेकंड, ये कार्गो प्लेन है ना, ये YCT की ओर जा रहा है। अरे बेनी कहीं इस कार, अरे यार ये कहीं कार को एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहा है ना तेरी जो कार है YCT में। बेनी कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है ये कार के अंदर ही ना वो कार हो भाई। यार हम लोग बेवकूफ़ बन गए ट्रैप भाई, यार हमने पहले क्यों नहीं सोचा यार, ये हम लोग को खड़े खड़े देख रहे गाइस यार। बेनी 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 यार तू भी ना, तू एक्सपोर्ट वगैरह करता है तुझे पता ही नहीं मुझे क्या आइडिया आएगा यार, एक बार ना कन्फर्म कर लेते गाइस वो कार के मतलब जो प्लेन है ना कार्गो उसी में ना होगा, क्योंकि मुझे हमने पहले नोटिस ही नहीं किया वो कार्गो प्लेन है या रेसिडेंशियल वाला प्लेन है भाई, हमें क्या पता, मतलब मुझे पता है वैसे बट मैंने इतना नोटिस नहीं किया भाई। कार ढूंढ रहे थे वहाँ पर ना, कुछ लोग खड़े वगैरह आई थिंक, उनसे पूछी था कुछ पायलट वगैरह है। हेलो हेलो सर जी, हेलो हेलो इधर आना एक बार सर जी, कुछ बात करनी है यार, बात ही नहीं सुन रहे। अरे सर जी ये जो आपने कार को देखा कार्गो में जाके, भाई ये कह रहा है कि उस कार में तो भाई वो तो उस कार में ही गई है, मतलब गाइस वो जो कार थी ना गोल्डन कार वो उसी में गई है यार। भाई बेनी यार बेनी क्या करता है तू यार, कसम से अपने हाथ को कितना टाइम था भाई, हम लोग एरोप्लेन रुका सकते थे भाई, बेवकूफ़ बन गया, मतलब इंजन स्टार्ट होने में टाइम लगता है गाइस, उतना टाइम में तो हम रुका देते कुछ ना कुछ करते यार। गाइस बेनी अब तेरा वर्कशॉप और जो तेरी कार है ना, अब तेरी जान खतरे में यार, वो कह रहा है कि तेरे वजह से हुआ है भाई। यार ये भी सही बात है, जो कार चुराया वो भी अपने नाम से कार चुराई है, कम से कम मेरा नाम तो लेता ना। अब गाइस बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो चुका है गाइस, ये वैगर्स वगैरह एंड लॉस और ये क्लाउड का बच्चा और ये पता नहीं मास्क मैन कौन था और ये कार किसने चुराई है, अब क्या करना है गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई साहब। और न्यू मेंशन भी खरीदना था आज, वो भी नहीं हुआ,
गाइस यार आज के दिन इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। अगर नेक्स्ट वीडियो का टारगेट आप लोग कंप्लीट नहीं करते, उसकी लेट वीडियो आ रही है, प्लीज लाइक टारगेट कंप्लीट करो और वीडियो को शेयर करो। और सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट करना, मुझे भी देखना आपको मेरी वीडियो पसंद आती है कि नहीं। तो प्लीज़ लाइक टारगेट कंप्लीट करना, क्योंकि 20 वीडियो डाल चुका हूँ, अभी तक एक भी लाइक टारगेट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सो गाइस दिल से बुरा लगता है। तो गुड गाइस सबको, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।